नमस्कार दोस्तों, पिछली हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो अभी तक आपके 9 चैप्टर इसमें खत्म कर चुके हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, 10वां चैप्टर। ठीक है, चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपने कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है आपको? वहां हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, ईरोड के बुनकर या फिर कपड़ा निर्यात कर कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों या फिर चाहे उपभोक्ता हों या उत्पादक। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानून के जरिए इस बात की सब कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बाजार। आइए बाजार एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का, निजी कंपनियों, ठेकेदारों, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नजर में गैर कानूनी या फिर आप कहें गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या फिर उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंध को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम करते मजदूर देख रहे होंगे, बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवारों के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कार्गो में कार्य परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं। कानून, इसकी जरूरत क्या है? यह कानून किसके हित में? न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें यह निश्चित किया गया कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। जरूरत है, बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूंकि मजदूरों को काम करने की जरूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते हैं और बहुत कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। यह कानून सारे मजदूरों, आमतौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। कार्यस्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हैं। चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने वाले कानून, उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जरूरी चीजों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की
कीमतों के नियंत्रण में रखने वाले कानून ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीज़ों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते। ऐसे कानून जो फैक्ट्री को हवा या पानी में प्रदूषित फैलाने से रोकते हैं, कार्यस्थल पर मजदूरी बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून, मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून, यूनियन में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर परिस्थितियों के लिए आवाज उठा सकते हैं। इनकी जरूरत है कुछ, ठीक, आगे बात करते हैं। लोग कानून बना देना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि आपने देखे कानून तो हजार हैं लेकिन वो लागू कहाँ होते हैं। धरती तक आते आते उनकी दशा कुछ और भी होती है। सरकार को यह भी निश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना भी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण, और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आम आदमी गंवाने या बदले की कार्यवाही के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ताकि मजदूर से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानून को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानून को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार को व्यक्तियों या फिर निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार करते किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून कितने किस तरह सामने आते हैं, एक कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसाय में हैं। 2016 में संसद में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.government.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल आरंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। भोपाल गैस त्रासदी 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के सी सेंध से मेथाइल आइसोसाइनाइड साइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। याद रखिए आपका ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम हो फिर चाहे इस तरह का कोई भी प्रीलिम्स हो, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है कि कौन सी भोपाल में यूनियन कौन सी कंपनी थी, अमेरिकी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, ये कब हुई, 2 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस थी इसमें, मेथाइल आइसोसाइनाइड मिक भी बोलते हैं, ठीक है। इस दुर्घटना में की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे को तेज खांसी की आवाज सुनाई दी।
कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब कह रहे थे, भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगातार लगता था कि जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आँख बुरी तरह जलने लगी। ये बोल रही हैं अजीजा सुल्तान। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुँह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। उनमें लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबों गरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई जबकि बहुत सारे घायल हुए। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $87 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वालों लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाने तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां पर पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। तो ये थी आपकी भोपाल गैस त्रासदी की कहानी। आगे हम लोग बात करते हैं एक मजदूर की कीमत क्या होती है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले याद जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड से ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूर के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या फिर उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 कर की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी थी। मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद भी ही खत्म कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पड़े। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका कंप्यूटरी की चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। इसकी जो कंपनी अमेरिका में है उसमें कंप्यूटरी की चेतावनी निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल में के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया
जाता है था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूरों का मूल्य अभी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। वही है हाल, एक अनार 100 बीमार, समझ रहे? एक जाए तो उसकी जगह दूसरा हाल, दो चार आ जाएंगे। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल की इस त्रासदी के इतने साल बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानून को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानून को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर एक कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मेक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि विदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी और ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रह गई। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसाय नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई। याद रखिए एक बात, क्या याद रखिए कि आम इंसान जो गरीबी में जी रहा है, जो किसी तरह अपना गुजारा बसारा कर रहा है, उसकी जान की कीमत कुछ भी नहीं होती। कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार में, जब तक दुर्घटना घट नहीं जाती तब तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। क्या होता है, कोई ध्यान नहीं जाता। अभी हाल में आपका कोरोना वायरस छाया हुआ, दुनिया जब पीड़ित थी मालूम था कि नहीं संभल रहा है, तो हमने पहले से कोई उपाय नहीं किए। जब हमारे द्वार पर जब आ गया, वो हमारे घर में घुस गया, तब हम ढूंढ रहे हैं उपाय। अगर उससे पहले ही हम लोग उपाय कर लिए होते, सभी इंतजाम कर लिए होते, तो इसका इतना बुरा हाल कभी ना होता। देखा है अमेरिका, अमेरिका एक मजाक में ले रहा था उसे, वहाँ की हालत क्या, इकोनॉमी हालात हिला के रख दी है अर्थव्यवस्था को, कितने साल पीछे चले गए एक किसी को पता नहीं है। तो लेकिन हम दूसरे की गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते जब तक खुद पर ना वो गलती हो जाए। हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला?
इस मामले में भारत की स्थिति और भी गंभीर है, याद रखें। क्या है? बहुत गंभीर है। अब बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो या फिर हवा हो या फिर भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, ना के बराबर। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे, कोई लेना देना नहीं था। इससे लोगों को एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों, वे केवल मजदूर से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों की अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। याद रखिए, कई बार क्या होता है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका गरीबों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सजा उनकी किन्हें भुगतनी पड़ती है? गरीबों को। अब आप कोरोना वायरस का ले लीजिए, कोई गरीब अमेरिका न चीन न इटली नहीं गया, किसी ने अन्य देशों की यात्रा नहीं की, वो अपने देश में कमा खा रहे थे, गरीबी में जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन भुगतना किसी पड़ रहा है? बीमारी लाया कोई और है इसे, इस वायरस को, वहां से कोई यहाँ लाया है, लेकिन भुगतना किसी पड़ रहा है? गरीब को। तो हर बार इंडिया में गरीब की स्थिति बहुत खराब थी। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाके में स्थित हेडपंप को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया, फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को भी जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है, उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार सर्वोच्च संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषित मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी एक वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। याद रखिए, सतत विकास लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है। तो याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, सतत विकास लक्ष्य को सभी को आप 17 में याद रख लेना, 17 को अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाके में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या फिर उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्यवाही से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हुई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुत को दूर दराज के इलाके में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्याएं इन नए इलाकों में पैदा हो रही हैं। ये इलाके प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का भी मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। भारत में पर्यावरण मुद्दों पर
पर्यावरणीय मुद्दों पर हुआ ताजा अनुसंधान से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते, इसलिए उनमें से बहुत को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकारों को भी चाहिए कि कारखानों को प्रोत्साहित और मदद दें, उसे प्रदूषण फैलाने वाले वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल सकेगा। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है आपके। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंपेस्ट नेचुरल गैस CNG ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि हवा में विषैली पदार्थ का स्तर काफी ऊंचा है। ये विषैली पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों और कारों से कारें पैदा कर रही हैं। ठीक है, बंद कारखानों के बाहर मजदूर। देखिए, रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूर करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से ही छोटे कारखानों में काम मिलता है जहाँ के हालात पहले से भी ज्यादा शोषण भरे होते हैं, जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती है। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सकें, अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर यहाँ बुला रहे हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष देख लेते हैं। चाहे बाजार हो या फिर दफ्तर हो या फिर कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों की वो गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उसको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का आपका सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला, न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकार यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफी खराब। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं
ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। यहाँ आपका सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक समृद्धि आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। याद रखिए आप लोग, पहले हमारे समाज से भी जो भी संगठन हुआ करते थे या कोई व्यक्ति पर्सनल होता था, वो बहुत अलग था। वो समाज सेवा के लिए करते करते लोगों की लड़ाई के लिए अपनी जान भी दे दिया करता था। पर्यावरण को बचाने के लिए कई अपनी जान तक गंवा चुके। लेकिन आज के समाज सेवी को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। इस अध्याय के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके कुछ शब्द हैं। उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उत्पादक, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के भी रख लेते हैं, उदाहरण के लिए किसान। निवेश, भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर होने वाला पैसा। मजदूरों की यूनियन, मजदूरों का संगठन। आमतौर मजदूर यूनियन कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियन हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी, पदोन्नति से संबंधित नियमों और लाभों, कार्य स्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। याद रखिए, यहाँ आपने एक शब्द देखा है, यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते थे। पहले के यूनियन नेता थे, पता है आपको, पहले के यूनियन नेता अपने सदस्यों के लिए के फायदे के लिए हर बात पर सहमति जताते थे, लेकिन आज का यूनियन नेता कोई भी देख लीजिए। एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा है कि आम लोगों ने इस अधिकार यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया। नागरिकों के इन प्रयासों से ही यह अधिकार और सार्थक व व्यापक हो गया। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा है कि किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। इसी तरह मुंबई झुग्गी वासियों की कोशिशों से रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त हवा पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं। जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है, इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और खास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद दी है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ है कि हमारे संविधान में कुछ खास नियम जो भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों और कानूनों के शासन से संबंधित विविध विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान काफी लचीला भी है। इसी आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सिरे से उभर कर आने वाले मुद्दों की सूची भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याओं की व्याख्या की जा सकती है। इस आधार पर संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है। स्वास्थ्य के अधिकार या आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन भावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। इसका मतलब है कि संविधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिनके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करते थे कि आम नागरिकों की जिंदगी में आदर्श हकीकत रूप ले सकते। जैसा कि इस पुस्तक के अध्यायों में चर्चा की,
कि संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। दूसरी ओर इन्हीं अध्यायों में यह भी बताया गया कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज के ज्यादातर लोगों की जिंदगी में समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसा कि कक्षा 7वीं की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि मीडिया भी इन संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब यह मतलब नहीं है कि आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में यह समझाने की चेष्टा की गई है कि संविधान में कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए और उनमें लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहैया कराना है जिसके सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सकें, संविधान द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हुए उसमें हिस्सा ले सकें। तो चलिए, ये थी आपकी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। ठीक है, इसमें हम सभी अध्याय देख चुके हैं, चूंकि आपके 10 अध्याय थे, 10 ही को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा अतीत, थर्ड कक्षा 8वीं की बुक्स एनसीईआरटी की, हमारा अतीत भाग 3 के बारे में। ठीक है।